मध्य प्रदेश विधानसभा में हरदा कांड को लेकर खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस ने कहा भाजपा अपनी घोषणा पत्र का पालन नहीं करवा रही है और विधानसभा में राज्यपाल तक से झूठ बुलवा रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण पर जमकर हंगामा किया और सदन का बहिष्कार करते हुए सदन में बीजेपी का घोषणा पत्र लहराया। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश सरकार गवर्नर से झूठ बुलवा रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा है। किसानों से लेकर युवाओं तक किसी को लाभ नहीं दिया जा रहा है। आज किसान की फसल तैयार खड़ी है लेकिन उसको खरीदने वाला नहीं है। हादसा एक बड़ी घटना है प्रदेश की। इस प्रकार पहले भी पेटलावाद में घटना घटी, वहाँ के दोषियों जो थे उनको बरी हो गए, लेकिन सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बगैर लाइसेंस की कोई अगर फैक्ट्री चल रही है तो बगैर सरकार के मदद के नहीं चल सकती। ऐसा कौन मंत्री थे, कौन अधिकारी थे जो सरकार पे इतने सालों से इस फैक्ट्री को मदद करते थे। राज्यपाल के अभिभाषण सरकार का प्रतिबंध होता, और सरकार के प्रतिबंध एक जनता के हक में होना चाहिए, उनकी अधिकारों के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन सरकार अपने हिसाब से सिर्फ लुभावने वादे करना चाहती चुनाव में, लेकिन जब सरकार बनती है तो ये अपने वादे भूल रही है। जो हम इनके संकल्प पत्र की बात कर रहे हैं, इनके गेहूं की बात कर रहे हैं, इन्होंने जो धान खरीदी की बात करी है 3100 में, इन्होंने बात करी है 2700 रुपये गेहूँ की, इन्होंने 450 रुपये सिलेंडर की बात करी है, इन्होंने छात्रवृत्ति की बात करी है, छात्रवृत्ति SC ST के बच्चों की बढ़ी नहीं, इन्होंने नौकरी की बात करी है। आज कई परीक्षाएं के रिजल्ट बाकी है, वो रिजल्ट नहीं आ रहे, धरने पे बैठे PSC के बच्चे, कई ऐसे युवा है, तो कब इनको न्याय मिलेगा, इसकी हमने बात करी जो राज्यपाल के अभिभाषण में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।